मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। सरकार के कटिले हैं कटार से, गाइए तो दम लगा के। सरकार के कटिले हैं कटार से।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। समय की शुभ वेला में, रात समय की शुभ वेला में, संध्या समय की फूल की तरजनी, संध्या समय की फूल की तरजनी, रोम रोम से निकले तेरे, रोम राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। चंचल मन नित
मन नित राम जपा कर चंचल मन नित राम जपा कर पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी नित दिन पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी नित दिन राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर चंचल मन नित राम चंचल मन नित राम चंचल मन नित चंचल मन नित राम पागल राम पागल राम पागल चंचल मन नित राम जपा कर बोली श्याम रामचंद्र की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कैसा नाता रे हो मनवा कैसा नाता रे कैसा नाता रे हो मनवा कैसा नाता रे मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे पुत्र हमारा बहन कहे बिर मेरा रे माता कहे यह पुत्र हमारा बहन कहे बिर मेरा रे भाई कहे यह भुजा हमारी नारी कहे नर मेरा रे भाई कहे यह भुजा हमारी नारी कहे नर मेरा रे स्वार्थ का सब घर परिवार सत्य वेद का नारा रे जब मौत ने आके उसे पुकारा छोड़ चला घर द्वारा रे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे लपटी झपटी के तिरियारों में हंस अकेला जाई रे लपटी झपटी के तिरियारों में हंस अकेला जाई रे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे जीवन का यथार्थ है समझ में आया तो अच्छी बात है नहीं तो समय समय में समझा दे
जब लग जीवे माता रोवे बहन रोवे दस माता रे, जब लग जीवे माता रोवे बहन रोवे दस माता रे, तेरह दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घर वासा रे, चार जने चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी रे, चारों ने आग लगा दी फूक दिया जस होरी रे, कैसा नाता रे हो मनवा कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में ऐसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। जंगल लकड़ी केस जले जस घासा रे, सोना ऐसी काया जल रही कोई न आवे पासा रे, झूठे मोह ममता में मूरख बधा चौरासी पासा रे, झूठे मोह ममता में मूरख बधा चौरासी पासा रे, कहे सुनो भक्त जन छोड़ो जग की आशा रे, कैसा नाता रे हो मनवा कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला जगत में कैसा मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से बहुत सारे गुरुओं का आश्रय लिया है, बहुत सारे गुरुओं को। जीवन में ना हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर सीखने की प्रवृत्ति हो तो, अगर सीखने की प्रवृत्ति नहीं है तो सीख करके सब भुला देते हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैं पृथ्वी से सीखा धैर्य कैसे हासिल करते हैं। आप पृथ्वी को देखो, उसमें हल चलाते हैं, उसको 20 तरह से बराबर करते हैं, फिर पानी लगाते हैं, ठीक, बीज डालते हैं, इतना उसकी सीनी को चीरते हैं और वो क्या देती है, हमारे लिए अन्न देती है। अगर हमारे सीने पे कोई दो बार धक्का मार दे तो फिर हम उसके बदन में आग लगा दें, इतना जोश और इतना अभिमान और इतना गुरूर है लोगों में। और धरती माँ कितने सहनशीलता के साथ अपना जीवन जीती है। आपको लगता है धरती निर्जीव है? अगर ऐसा लगता है तो आपकी बुद्धि पगला गई है। न धरती निर्जीव है, न वायु निर्जीव है, न आकाश निर्जीव है, हाँ सब सजीव हैं। एक दिन हाँ अपने ऊपर अपने सर पे बच्चे को बिठा के घुमाइए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और धरती के ऊपर हम लोग कितने सारे लोग बैठे पड़े हैं,
तो धरती से हमने धैर्य सीखा, वो बदला नहीं लेती है, सबको माफ कर देती है। वायु से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि कैसे असंग रहा जाए। वायु कहीं चिपकता नहीं है, कहीं देर तक ठहरता नहीं है। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने सीखा कि जैसे वायु अनेक स्थानों में जाता है परंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता, कहीं चिपकता नहीं है। हम लोग का है, हम लोग चिपक जाते हैं। जहां कुछ अच्छा दिखा, कोई बागीचा दिख गया, कोई रेस्टोरेंट दिख गया, कोई कोई आदमी इंसान दिख गया, कोई शहर दिख गया, हम उसे आसक्त हो जाते हैं। आसक्त नहीं होना है। अच्छा मान लीजिए यहाँ से शिमला जाना है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी में बैठे और यहाँ से मंडी गए, एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, फ्री में खाना खिला रहा है, तो क्या करना, यहीं सो जाते हैं। फ्री में खाना खिला रहा है, कमरा दे रहा है, अब पता चला कि एक महीना वहीं सोए पड़े हैं, शिमला नहीं चलेंगे। अरे कहाँ शिमला चलेंगे, यहीं रहो, मौज करो। हाँ, फिर थोड़ा आगे निकले तो दूसरे रेस्टोरेंट में अटक गए, हंसना आ रहा है ना, हम सबकी यही हालत है। हम सब रेस्टोरेंट में अटके पटके हैं, कभी पत्नी के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, और जहाँ जाना है उस बारे में सोचते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं जल से मैंने सीखा कि जल स्वच्छंद रहता है, हमेशा पवित्र रहता है, निर्मल होता है। तो ऐसे अपने स्वभाव को शुद्ध रखिए। साधक को चाहिए कि साधक का स्वभाव मधुर भाषी हो, लोग को पवित्र करने वाला हो। अग्नि से मैंने शिक्षा लिया कि अग्नि परम तेजस्वी है, ज्योतिर्मय है, उसे कोई दबा नहीं सकता। अग्नि को कोई दबा सकता है क्या? अग्नि कहीं छुप नहीं सकती ना। अग्नि जब लगती तो अपने आप अपना प्रभाव दिखाती है। तो ऐसे हमें होना चाहिए, तेजोमय। चंद्रमा से सीखा कि हमें हमेशा अपने को शीतल बना के रखना है। सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य को देखो, सब जगह समान रूप से वो अपना प्रकाश डालते हैं, और उसके बाद भी जहां उनका प्रकाश जाता है उससे वो प्रभावित नहीं होते, असंग रहते हैं। कबूतर से मैंने सीखा, क्या सीखा, एक कबूतर है, एक कबूतरी है, उसका एक बच्चा होने वाला है, ठीक है ना। जंगल में रहते हैं सब, तो बच्चा होता है तो फुदक फुदक के चलता है, तो कबूतर कबूतरी को बड़ा मजा आता है। रोज अपना जंगल से वो अपने बच्चे के लिए ना दाना चुग के लाते हैं। एक दिन की बात है, जंगल में चले गए, अब कबूतर का जो बच्चा फुदक रहा था, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और कबूतर का बच्चा उसमें आके फंस गया। शाम होते होते कबूतर की मम्मी भी आई, अपने बच्चे को देख करके ना एकदम से पीड़ित हो गई, दुखी हो गई। अब उसको निकाल तो पाई नहीं, लेकिन अपने बच्चे से दूर भी कैसे रहे, तो बच्चे से मिलने गई और उस जाल में कबूतरी भी फंस गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद कबूतर आया, वो देखा कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी दोनों फंस गए हैं जाल में। पता है वो क्या सोच रहा है, दोनों तो फंस गए, अब कुछ देर में मर जाएंगे, शिकारी मार डालेगा, फिर मेरा जीने का कोई मतलब है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, फिर तो बेकार है जिंदगी। ऐसा सोच के वो भी जाल में खुद ही आगे फंस जाता है, और फिर शिकारी जाल लपेटता है, लेके चला जाता है। इतनी आसक्त थे वो लोग। तो इतनी आसक्ति अगर किसी के जिंदगी में है तो उसका विकास छोड़ो, उसका पतन ही होना है। पतन मतलब वो कुछ भी अपने जीवन में सांसारिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर हासिल नहीं कर पाएगा। आपको पता है एक अंग्रेजी का शब्द है होम सिकनेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, हमको लगता है मोही कहा जाए, परिवार मोही। मम्मी की बड़ी याद आ रही है, तो क्यों तुम बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, हमारा बाबू बाहर कैसे जाएगा, हम उसको देखे बिना कैसे रहेंगे। कुछ मम्मी लोग इतना प्यार करती कि अपने बच्चों को दूर भेजती नहीं है, जीवन भर उनका बच्चा उनके गोद में पड़ा रहता है, कोई काबिलियत नहीं ला पाते अपने अंदर।
कुछ बच्चे होते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको इतनी मम्मी याद आती है, हर छुट्टी में घर आते हैं, पैसा भी बर्बाद करेंगे, टाइम भी बर्बाद करेंगे। ऐसे कुछ लोग पति लोग होते हैं, बाहर जाते हैं पैसा कमाने, हर वीकेंड पर चंडीगढ़ से आ जाएंगे वैजनाथ, तो जितना कमाएंगे 500-500-1000 रुपये तो उसी में चला जाएगा, कैसे बचेगा पैसा। कहने का मतलब ये है कि घर परिवार में अगर बहुत आसक्त है ना आप, तो बहुत अधिक जीवन का विकास नहीं हो पाएगा, आध्यात्मिक विकास तो बहुत ही कठिन है। तो ये घर परिवार में फंसना नहीं है। तो ये कबूतर कबूतरी और उनका कबूतरी का पति जो है ना, वो कोई और नहीं है, हम ही लोगों का जीवन का गाथा है वो। हम लोग परिवार बच्चों में से फंसे रहते हैं। एक पिंगला है, वैश्या है, ठीक है ना, तो वो अपने चौखट के सामने खड़ी होकर के ग्राहक का इंतजार करती है, बहुत देर तक इंतजार करती है, उसे अंत में कोई मिलता नहीं है, तो वो जो आशा थी ना उसका त्याग कर देती है और मन में विचार करती है, इतना अगर हम भगवान का भजन करते तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाता है। तो फिर वो धन की चाहत को त्याग करके भगवान के भजन में लग जाती है और भगवान को पा जाती है। तो यहाँ कहते हैं ये जो अवधूत हैं दत्तात्रेय जी की, उससे मैंने सीखा कि जीवन में आशा का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सब कहीं ना कहीं आशा में फंसे रहते हैं। कहते समुद्र से हमने सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। हाँ, ये चीज हम भी अपने अंदर लाना चाहते हैं, गंभीरता, लेकिन आती ही नहीं है। फिर सोचते हैं चलो छोड़ देते हैं, समय पर अपने आप गंभीरता आ जाती है। साधक को गंभीर होना बहुत जरूरी है, चंचलता बाधक होती है। पतिंगे से मैंने सीखा कि पतिंगे में एक कमी होती है, वो रूपासक्त होता है, वो जो आप देखते हो ना दीपक जब जलाते हो और उसमें सुंदर सी लौ निकलती है, तो बेचारा देखता है कहते इतना सुंदर है, इतना सुंदर, चलो इससे मिलते हैं, इसको गले लगाते हैं। जैसे बेचारा आता है गले लगाने, उसका मुंह झुलस जाता है। और ऐसे सुबह सुबह जब देखेंगे दीपक के आसपास तो सैकड़ों के मुंह झुलसे हुए मरे पड़े बेचारे, वो प्रेम और मिलने की जो तड़प है उसमें वो खत्म हो जाते हैं। तो रूपाशक्ति भी जीवन में बहुत दूर तक ना हमारा पीछा करती है। कोई अच्छा है, चाहे फूल है, चाहे आदमी है, चाहे घर है, चाहे शहर है, चाहे प्रकृति का ये हिमाचल जैसा सुंदर वातावरण है ना, अच्छा है तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पीछे भागे रहें ये समझदारी नहीं है, ये हमारे जीवन को नष्ट करने की स्थिति है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि स्त्री पुरुष के पीछे और पुरुष स्त्री के पीछे उनके रूप को देख करके कभी भी अनुगामी ना बने। जीवन में जो आपका साथी है, जो संगी है, वो मिला है उसका आदर करिए, और जिसके जीवन में नहीं मिला है उसको भगवान देंगे जो उनके जीवन में लिखा होगा। यहाँ पर लिखा गया है हमारे लिए, राजन सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न दे। गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न दे। कैसा कष्ट? मतलब सुबह पहुंचा देना ये 500 रुपया, 5 किलो आटा, 10 किलो ये फलाना ढिमकाना, हमको तो आदत नहीं है ना लेने देने की, तो इसलिए हम नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन अब होता है ना कि बड़े बड़े आश्रमों में बहुत सारा रूटीन दान होता है, महीने का ये 100 रुपया देंगे, वो 200 रुपया देंगे। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि जो आपके संपर्क में लोग हैं उनसे अगर कुछ आप ले भी रहे हैं तो इतना ही लीजिए कि उनका उनका घर का जो जिम्मेदारी है वो डिसबैलेंस ना हो। और इसका एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं हमेशा, वो क्या करते हैं, जब हम गांव में जाते हैं ना तो बहुत श्रद्धा उन लोगों में होती है, और 100 रुपया 50 रुपया लोग हमको देते हैं ना, तो हमको लगता है कि एक दिन की दिहाड़ी 300-400 रुपया है, उसका 25% तो मुझे ही दे दिया, तो वो 150 जो मिलता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बच्चों को मोड़ करके मैं दे देता हूँ कि इसके कलम खरीद लेना, इसका पेंसिल खरीद लेना, चॉकलेट खरीद लेना, नोटबुक खरीद लेना। उनको मैं अपने पैसे जोड़ के अभी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जो उनके घर की स्थिति में देखता हूँ तो वो पैसे मैं उनके बच्चों को ऐसे रिफंड कर देता हूँ, ठीक ना। अगर रिफंड नहीं करता तो बहुत सारा पैसा मेरे पास आ गया होता है ऐसे,
लेकिन हमको लगता है कि वो 150 रुपए से मेरा किस्मत या मेरा जीवन बहुत ज्यादा ना तो अच्छा होने वाला है ना तो खराब होने वाला है। उसके आ जाने से बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा और उसके न आने से मेरा बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा, तो मैं बच्चों को दे देता हूँ ऐसे। तो ऐसे मतलब किसी से आप कुछ लीजिए ना तो आप उसको देखिए कि उससे कितना लो ताकि उसका जीवन कष्ट में ना हो। हाँ, भक्ति के नाम पर इतना मत उससे भावनात्मक रूप से उसको तैयार करके दान ले लो कि उसके घर में उसके बच्चे की फीस समय पर ना भरी जा सके। और हम तो सच्ची बताऊं, मैं चाहता हूँ कि देश में ऐसा साधु हो, ऐसा सन्यासी हो, ऐसा प्रवचनकार हो कि जैसे हम भगवान के पास जाते हैं ना और कहते हैं भगवान हम बहुत खुश हैं, आज 1 किलो लड्डू लेके आए हैं, ठीक है ना, और ये 500 रुपया 100 रुपया का ये धन। तो अब वहां कोई रखेगा तो वो धन किसके काम आएगा? प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, वो धन हम ही लेंगे, हमारे पास ही आएगा, ठीक है ना, या तो वो दान पात्र में जाएगा फिर इकट्ठा होके मेरे पास आ जाएगा। ऐसे किसी भी मंदिर में आप जमा करोगे तो या तो मंदिर के पुजारी के पास जाएगा या वहाँ कोई सन्यासी महात्मा रहता है तो उसके पास जाएगा। तो एक भक्त जब खुश है, सुखी है और वो अपनी चीजें दे रहा है तो उस समय आप स्वीकार कर रहे हो, ले रहे हो, उपयोग कर रहे हो। जब उसके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है और वो एक चिट्ठी लिख दिया कि भगवान आज बड़े परेशान है, 500 रुपए की जरूरत है और वो चिट्ठी मुझे मिल गई, ठीक है, तो फिर मेरा काम क्या बनता है? पिछले कई महीनों में ढेर सारा जो पैसा मेरे पास आया है उसमें से 500 रुपए उसको चुपचाप भिजवा दें। ऐसा साधक चाहिए, ऐसा सन्यासी, ऐसा हाँ प्रवचनकार चाहिए। ये नहीं कि पर्ची देख के धीरे से फाड़ के फेंक दिया, बोला कि पता ही नहीं चला मेरे को। तो सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थ लोगों से जो ले समय समय पर उनके लिए भी सोचे कि वो क्या बेहतर कर सकता है। और देखो मैं सच्ची बताऊं ना, ये भगवान को पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए ना किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे दिल की बात उनसे कहिए, वो आपकी बात सुनते हैं। अगर कोई उसमें मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है ना तो दलाली कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। भगवान और भक्त के बीच में कोई नहीं होता है। हमारे जैसे लोग खाली आपको तरीका बताते हैं, साधन बताते हैं ना, कथा सुनाते हैं, लेकिन हम ठेकेदार नहीं कि भगवान से मिला देंगे, कुछ पैसे हमको दे दो इधर, ऐसे नहीं है हम ना, ऐसा कोई हो सकता है। तो भगवान से मिलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, पर जीवन में कष्टों से उबरने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, एक सहयोगी की जरूरत होती है। वो सहयोगी किसी का पति हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का माँ बाप हो सकता है, और किसी का सहयोगी कोई साधु भी हो सकता है, कोई सन्यासी भी हो सकता है। तो हम तो ये सोचते ना कि सन्यासी लोग पास तो अपना बच्चा है नहीं, अपनी पत्नी है नहीं, ना सोने का झुमका खरीदना है, ना साड़ी खरीदना है 3-4 हजार वाली, नहीं खरीदनी है ना, तो इनके पास जो पैसे आते हैं सब पड़े रहते हैं। तो जब इतने पैसे पड़े हों तो आप किसी जरूरतमंद के लिए उस पड़े हुए पैसे से निकाल के कुछ मदद कर दीजिए। हाँ, तो ऐसा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि करें जब हमारे पास पैसा आने लगेगा, तब अभी बहुत पैसे नहीं है, ठीक है, तो यही नहीं कल से पर्ची आलो यहाँ रखना शुरू करिए, लेकिन जब हमारे पैसा आएगा तो हम बहुत मदद करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस निकालता ना, उसी तरह साधक को चाहिए अपने जरूरत के लिए किसी एक ही आदमी को फोन करके ना कहे कि 5 किलो आटा पहुंचाओ, 10 किलो चावल पहुंचाओ, 5 किलो दूध पहुंचाओ। जैसे भंडारा होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सब लोग देंगे तो सबके लिए आसान हुआ, किसी एक ही के ऊपर ढेर सारी बड़ी जिम्मेदारी लाद दोगे और बेचारा टूट जाएगा। मधुमक्खी से बोले हमने क्या सीखा, इतना फालतू में संचय मत करो, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके रखोगे दूसरा कोई उसको लूट लेगा। हाँ, मधुमक्खी मधु बनाती है, खुद पीती है क्या? और तो और उस मधु के लालच में उन सब मधुमक्खियों को लोग मार डालते हैं, जला डालते हैं। तो ऐसा हमने सीखा कि ज्यादा इकट्ठा करना अच्छा नहीं होता है। मछली से हमने सीखा कि जो ये स्वाद है ना, स्वाद से बचो, स्वाद के चक्कर में बेचारी मछली जो है वो बंसी में फंस जाती है। और जो लोग अपने जिह्वा के इस ना प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे वो कभी भी मन को तो एकाग्र नहीं कर पाएंगे।
सबसे पहले स्वाद पर विजय करना होता है साधना के क्षेत्र में। हाँ, तला भुना खाइए, लेकिन तला भुना ही खाएंगे ऐसी प्रवृत्ति मत रखिए, ठीक है। हम एक साधक को जानते हैं, वो अब कैसे रहते नहीं मालूम, लेकिन जब हम मिले थे 2014 में, तो क्या करते ना, कुकर में चावल डालते थे, दाल डालते थे, आलू डालते थे, टमाटर डालते थे, सब इकट्ठे, और नमक भी नहीं डालते थे, और ऐसे ही खा लेते थे, ठीक है। एक संत जी के हम घर पे गए तो भोजन बनाया, सब बढ़िया से हमने बनाया, हमसे बोले कि ऐसा करो, एक सेव काट के इसमें डाल दो। तो हमको तो मालूम था नहीं, हम कहे कि कुछ नया डिश होगा, अच्छा हो जाएगा, सेव काट के डाले तो न नमक समझ में आता था, न मिर्ची समझ में आती थी, सब लगता था नीरस, बिना स्वाद का। ऐसे लोग संत होते हैं, ऐसे लोग त्यागी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। बाण बनाने वाले से हमने देखा, वो बाण बना रहा था, उसके सामने से राजा की सवारी चली गई। हम जाके पूछे, तुमने कुछ देखा? बोला, नहीं, हम तो बाण बना रहे थे। तो उन्होंने कहा, उससे मैंने एकाग्रता सीखी, इतनी अच्छे ढंग की एकाग्रता कि दंदन दंदन करते हुए यहाँ से बैजनाथ की छोटी कांगड़ा कोई निकल जाए और किसी को पते न चले, इतनी एकाग्रता। तो इस तरह से कहा कि मकड़ी से मैंने सीखा कि मकड़ी अपने ही जाले में जाला बनाती है और फिर फंस जाती है। तो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बनाता है, उसी में उलझ जाता है, इसलिए परिस्थितियां सोच समझ के बनानी चाहिए, नहीं तो फिर परिस्थितियों में आदमी फंसा पड़ा रहता है। इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। जीव शरीर का भला तभी होगा जब कामनाओं से हम निकल करके ऊपर उठेंगे, निष्काम होंगे। शरीर अनित्य है और मृत्यु सदा इसका पीछा कर रही है। ये सब बातें सोच विचार करके हम अब निश्चिंत हो करके इस पृथ्वी का दर्शन करते हैं, विचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि वाले दत्तात्रेय जी यदु को उपदेश देते हैं और यदु बहुत आनंदित होते हैं, बहुत सुखी होते हैं, तत्व का दर्शन करते हैं, और फिर दत्तात्रेय अपने यात्रा पर निकल जाते हैं, यदु अपने कार्य में लग जाते हैं।